आलमी खबरों में आपको बताएं कि अमरीकी फौज इलेक्शन में किरदार अदा करेगी ना नतायज के तनाजे में पड़ेगी। अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने वाजे कर दिया। अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल मार्क मिली ने वाज़ किया है कि फौज ना तो सदारती इंतखाबात में किरदार अदा करेगी और ना ही इंतखाबी नतायज के तनाजे में पड़ेगी। अमरीकी अरकान कांग्रेस के सामने पेश होकर अमरीकी फौज के सबसे आला अहदेदार जनरल मार्क मिली ने कहा है कि अमरीकी फौज का सदारती इंतखाब में कोई किरदार नहीं होगा। जनरल मार्क मिली ने कहा है कि अगर इंतखाबी नतायज में कोई तनाजा पैदा हुआ तो उसके हल में भी मदद नहीं की जाएगी क्योंकि कानून के तहत अदालतें और कांग्रेस ऐसे मसलों का हल निकालती हैं। उन्होंने कहा है कि मैं दिल की गहराई से फौज के गैर सियासी होने के उसूल पर यकीन रखता हूं। 3 नवंबर 2020 को अमरीका में सदारती इंतखाबात होने हैं। तहम कोरोना वायरस के बायस पोस्टल बैलेटिंग की तजवीज भी ज़ेरे गौर है। तहम ट्रंप इसको मुस्तरद कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि पोस्टल बैलेटिंग में वोटों की गिनती में कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं और वो इसे फ्रॉड ये करार दे चुके हैं। दूसरी जानब उनके हरीफ उम्मीदवार जो बाइडन भी ट्रंप की जानब से इलेक्शन के नतायज में मुबजना रद्दमदल के खर्चे का इजहार कर चुके हैं। इससे कबल अमरीका के गुज़श्ता इंतखाबात 2016 में भी ट्रंप की कामयाबी पर रूस के असरअंदाज होने के हवाले से बहुत से शकुक व शुभात का इजहार किया गया था।